जी क्या हाल है? क्या खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? आजकल यही चल रहा है कि सुबह उठ गया हूँ, सुबह नाश्ता ये कर रहा हूँ। चलो हम भी एक बना लेते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ आज। भाई वरिंदर, हाय। आज मैं आपको एक जो हम प्लानिंग के साथ एक कुछ बना रहे हैं सेटअप, वो दिखाते हैं। आपको कैसा लगेगा नीचे आप वीडियो में कमेंट जरूर कर देना। प्लान सोचा हुआ है कि जो नए बंदे ब्रीडिंग में आना चाहते हैं, मैं उनको ये दिखाना चाहता हूँ कि हम क्या प्लानिंग के साथ एक काम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इस वीडियो में आप नीचे कमेंट जरूर करना कि आपको कैसा लग रहा है। ये कहाँ से गाड़ी नहीं चलाना, ये मुझे काफी पहले भी बताया गया है लोगों ने। अपनी वरना में हम चल पड़े हैं, ये इसकी होती है, ये पंजाबी भाषा में है रन, ये है नाइट, ये है डे। ये एरिया है जहाँ पर हमने एक सेटअप बनाने की तैयारी की हुई है। ये सारा एरिया खाली है, पहले ये मैं आपको बताता हूँ, कोई रिहायशी एरिया नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये सारा खाली है यहाँ पर। और इसके बीच में जो हमने प्लॉट लिया हुआ है वो आपको दिखाते हैं। उसमें ये जो सेटअप हम बना रहे हैं ये सारा तैयार हो रहा है अभी, ये अभी मेरे ख्याल से 1 महीना ही हुआ है, 1 महीने से ये काम चल रहा है दिन रात। और ये आगे भी मैंने एक स्टोरी डाली थी इसके बारे में कि ये सेटअप तैयार हो रहा है, बीच में हमने काम रोक दिया था, पैसा भी इकट्ठा करना पड़ता है, तो अब ये काम शुरू हो चुका है। ये यहाँ से दिख जाता है वैसे रोड से, ये इतना बड़ा रोड नहीं है, गाँव वाला ही रोड है, तो मौसम भी अच्छा हो रखा है। मैं आपको चलो दिखा देता हूँ कि क्या काम चल रहा है। ये चल पड़े हम कच्चे रास्ते पर, थोड़ा सा कच्चा रास्ता जाता है, ये भी जगह अपनी है, इस साइड भी अपनी है, थोड़ा इससे पीछे बनाया है कि रोड पर कुछ आपको दिखे ना। लेकिन ये मैं जितने भी फार्म घूमा हूँ ना, मैं सारा निचोड़ निकाल के इसमें लगाऊंगा, ये चाहे 1 साल में तैयार हो, 2 साल में तैयार हो, लेकिन ये इतना सेटअप इसमें कमी नहीं रखूंगा। डॉग्स, ये इसका फ्रंट है, यहाँ पर हम गाड़ी लगा देते हैं, करते हैं बंद। ये देख लीजिए, ये बाहर का एरिया। मेरे डॉग्स वैसे दो जगह हैं, एक यहाँ पर है, एक पालमपुर में है हमारे। पालमपुर वाला भी आपको किसी दिन दिखाऊंगा मैं। गर्मी आती है तो हम एसी वगैरह नहीं दे रहे, हम सीधे पालमपुर में भेज रहे हैं। और मैं आपको पहले बाहर दिखा देता हूँ, ये इसकी बैक साइड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दीवार, इतनी दीवार करने में भी बंदे की फट जाती है भाई। ये यहाँ पर मैं पालमपुर भेज दिया था इसको, फिर से हमने वापस बुला लिया क्योंकि पालमपुर में ज़्यादा ही ठंड हो गई थी। ओए क्या लब रोक, क्या हो गया? ये इनके बन रहे हैं रूम्स, जो आप कहते हो रूम दिखाने हैं। मैंने कनिष्क भाई को भी एक दिन भेजी थी फोटो, कर रहे हैं ये इसकी बैक साइड है, और ये यहाँ पर एक पाइप पड़ रही है जो इसका पानी वापस आने को, ये अभी तैयार नहीं हुआ। ये एक डॉग यहाँ पर रहेगा, इसके ऊपर छत हम डाल रहे हैं फाइबर की, और उसके ऊपर टीने डाल रहे हैं जो टाटा की होती हैं, और जब ये बनेगा तो आपको पता लगेगा। ये एक डॉग का है, ये आउटर है, यहाँ से आउटर, यहाँ ये पिछला गेट हो गया ना, मतलब आप ये समझ लो कि हम पीछे से यहाँ से कैनल बॉय जाएगा, डोर भी कह लो या कैनल बॉय भी यहाँ से जाएगा। ये नीचे से पाइप होगी, ऊपर से जालियाँ लग जाएंगी इसके ऊपर, और यहाँ से पानी बाहर को, और ये डॉग यहाँ से गेट लग जाएगा, और गेट लगने से वो डॉग उधर से गया बाहर, और ये बन गए उसके रनवे, यहाँ से डॉग वापस आएगा, और ये एक डॉग को इतनी जगह मिल जाएगी, 12 फुट हो जाएगा ना, 8 बाय 12 का कर लो, ये इतना एरिया 8 बाय 12 का। कैमरे पर आपको नहीं समझ लग रहा होगा ये कितने कैनल बन रहे हैं, 1 2 16 कैनल इधर बनेंगे वैसे, ठीक है, ये 16 कैनल बन रहे हैं, मतलब हमारे 16 डॉग इस एरिया में रह सकते हैं। ये सारा आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोलर लगा रहे हैं हम। टेम्परेचर कंट्रोलर में क्या होता है, हम 22 डिग्री 25 डिग्री 30 डिग्री टेम्परेचर बना सकते हैं उतना। वो लैब्राडोर, ओए क्या हाल है, क्या हो गया छीना, क्या हो गया जी? टैंक जो इनका वेस्ट मटेरियल है यहाँ पर पहले इकट्ठा होगा, और ये जितना भी इधर से, ये जैसे ही एक साइड से यहाँ पर बना है वैसे ही एक साइड में यहाँ पर बनेगा, मतलब 16 डॉग उधर, 16 केजी उधर, और 16 केजी इधर, ये बन रहे हैं अभी। उसके बाद कैनल में ज़रूरी होते हैं स्विमिंग पूल, वो स्विमिंग पूल यहाँ पर बनेंगे। ये है ग्राउंड, वैसे मैं नक्शे की फ़ोटो भी लगा दूंगा आपको, जो या आर्किटेक्ट ने नक्शा बनाया हुआ है इसका। यहाँ पर एक ग्रीनरी ग्राउंड बन जाएगी, ये मतलब पीछे बन जाएगा पप्पी एरिया कह लो या वेल्पिंग हाउस कह लो, उनके लिए ये कमरे बन रहे हैं। आपको दिखा देता हूँ, ये सफाई चल रही है, ये भाई साहब हैं जो पूरा कैनल संभाल रहे हैं, सैनी साहब मालिक कह लो, जो पीछे से सारे डॉग करते हैं। अभी तो बड़ी तंगी है यहाँ पर, 10-12 डॉग जितने भी हैं उनके लिए हमने टेम्परेरी ये बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेरी बना दिया हुआ है,
कि अभी रात को, वैसे तो दिन को बाहर ही रहते हैं। ये बन रहे हैं वेल्पिंग हाउस, यहाँ पर फीमेल वेल्पिंग के लिए। और ये मैं चाहता था बड़े बड़े कमरे बने वेल्पिंग के लिए, एक फीमेल जैसे आ गई वेल्पिंग हो सकती है, बच्चों के साथ यहाँ पर रह सकती है। ये मैंने तीन बनवाए हैं, ये तीन बने हुए हैं, एक दो तीन। आपको कैसा लगा? अभी तैयार नहीं है, मैं आपको पहले दिखाना चाहता था। ये लेबर के रूम बने हुए हैं यहाँ पर। अभी सुबह तो यहाँ पर तंगी है, तंगी इस कारण है कि अभी तैयार हो रहा है ये। और ये हमने रखा है जैसे अपने किसी डॉग को खुला छोड़ दो, ये अभी आपको समय नहीं लगेगा, लेकिन समय तब लगेगा आपको जब ये बन जाएगा। ये पानी के बोर, ये एरिया मतलब वेल्पिंग हाउस के अलावा भी बच्चों के साथ माँ ने घूमना हो तो यहाँ पर घास लग जाएगी, और इस एरिए में बच्चों के साथ माँ भी घूम सकती है। यहाँ से हम आउटर निकाल देंगे, ये जो सारा एरिया काम आएगा। ये बीच में तब रखा हुआ है, यहाँ पर एंड है। इसके पीछे भी जगह है, कल को हमने अगर बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं। ये भी क्या है एक, ठीक है। ये अभी तो बुरा ही लगता है लेकिन जब बनेगा तब आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर ग्राउंड बन जाएगी और स्विमिंग पूल हमने रखे हुए हैं यहाँ पर, यहाँ पर स्विमिंग पूल रखे हैं। ये यहाँ पर दो स्विमिंग पूल आ जाएंगे। इस कैनल की मैं आपको एक खासियत बता सकता हूँ, वहाँ पर रूम बनेंगे। जब एंट्री है, ऑफिस भी बन जाएगा, रूम भी बन जाएगा। जो बाहर आया हुआ है लेबर के लिए तो हमने पीछे ही बनाया हुआ है, जो बाहर से कोई आएगा तो रूम बन जाएगा वहाँ पर आके, ऑफिस भी वहाँ पर बन जाएगा। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, अगर यहाँ से किसी ने, हमने एक प्लान रखा है चैनल मैनेजमेंट किसी ने सीखनी है। एक मिनट रुक जाना, क्या हो गया? क्या क्या हो गया? क्या, चलो। किसी ने काम सीखना है या जिसने मैकेनिकल मैनेजमेंट सीखनी है या किसी ने ट्रेनिंग सीखनी है, यहाँ पर प्रोफेशनल हैंडलिंग के लिए भी आप आ सकते हो। अगर किसी ने प्रोफेशनल हैंडलिंग सीखनी है, मैंने वरुण आनंद से एक लड़का वहाँ पर भी ट्रेनिंग करवाई हुई है, वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके अलावा किसी ने शो के लिए ट्रेनिंग लेनी है, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ऐसा नहीं है कि आपसे पैसा लिया जाएगा, आप आइए दो तीन दिन रहिए, जो भी है यहाँ पर रूम मिल जाएगा आपको, और आप यहाँ से ट्रेनिंग सीख सकते हो। कैनल मैनेजमेंट क्या क्या काम करने पड़ते हैं वो भी सीख सकते हो, प्रोफेशनली आपको सिखाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा उसका। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जगह आपको खाली लग रही है लेकिन यहाँ पर जब रूम बन जाएंगे, ऑफिस भी बन जाएगा, रूम भी बन जाएंगे आपके रहने के लिए, आप आइए यहाँ पर 15-20 दिन का हम एक बना लेंगे, आप यहाँ पर आके सीख सकते हो। अब आप पूछोगे कि यहाँ पर ब्लड लाइन कौन सी है, ब्रॉक लिया था वो डडवाल जी का था, और बाकी भी जितने डॉग्स यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं या धीरे धीरे आ रहे हैं वो हमारे ही हैं, जो हमने 4-5 साल पहले यहाँ बीच में परचेज़ कर रहे हैं। अभी सारे BI परचेज़ कर रहे हैं हम, ब्रीड इन इंडिया जो है, इंपोर्ट भी करवाएंगे वो अगले साल देखेंगे, अभी तो बस तैयार हो जाए। फीमेल हमने सारी BI रखी हैं और धीरे धीरे तैयार होता है, ये एक साल का प्रोजेक्ट नहीं है, ये 4-5 साल लेकर चलिए उसमें प्रोजेक्ट है। यहाँ पर रहने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है डॉग्स को, मैं ये नहीं कहता कि प्रॉब्लम नहीं है, अभी ये बन रहा है, अभी इसको तैयार होने में एक साल लगेगा, लेकिन जो यहाँ पर 10-12 डॉग हैं वो हमने रख दिए हुए हैं, आराम से घूमते हैं, क्योंकि चार दीवारी हुई पड़ी है, रात को बंद कर देते हैं, खुले रहते हैं, रात को सर्दी के लिए हमने वो कमरे खोल देते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं। ये हमारी गोल्डन टीवर है, ये दो फीमेल्स हम लाए थे, ये क्वालिटी आप चेक कर लो, 4 महीने की हो गई है हमारी, और ये कलर एक का थोड़ा सा लाइट है, दोनों बहने हैं, और ये क्वालिटी चेक कर लो। आपको कह रहा हूँ मैं पूरा दिन मिट्टी में रखता हूँ, मैंने अभी तक नहलाए भी नहीं है इनको, ना सर्दी भी इतनी है, फोग पड़ी होती है पूरा दिन, और ये अभी बांध के क्यों रखे हुए हैं कि हमारे कैनल में अभी छोटे बच्चे भी हैं जो रेडी हो रहे हैं। और मैंने यहाँ पर ये काम नहीं किया कि बड़े कुत्ते ले आए या बड़ी फीमेल्स ले आई आके बच्चे लिए, ये सारे बच्चे हमने पिक ऑफ द लीटर अपनी तरफ से चूज़ किए हैं, अच्छी अच्छी फीमेल हर फीमेल से निकाली। ये दो फीमेल हैं, उन्हें बड़ी अच्छी लगी थी, ये लुधियाना से हैं, और ये देख लो पूरा दिन शरारती। यहाँ पर देखो शुरू करना था, बड़ी फीमेल लेकर भी शुरू कर सकते थे कि 15 साल की 5 साल की फीमेल ले आते, उसको शुरू करते, वो काम नहीं किया यहाँ पर। ये सारी बच्चे बच्चे लेकर तैयार हो रहे हैं, मेरे ख्याल से 1.5 साल में ये बच्चे ही तैयार होंगे। इसके अलावा दो फीमेल यहाँ पर जर्मन शेफर्ड की जो मैं लाया हूँ वो भी आपको दिखाता हूँ, वो भी अच्छी ब्लड लाइन कैरी करती हैं, ब्लड लाइन मैं आपको सारी बता दूंगा कि किन किन से हमने ली है। अच्छे अच्छे ब्रीडरों से मैंने जितने कैनल विजिट किए हैं या कई कैनल नहीं विजिट किए उनसे बच्चे जरूर लाया हूँ मैं। ये कैनल बॉय के लिए हमने बनाया है, यहाँ पर उसका बेड लग जाएगा,
और ये उसका रसोई हो गया और ये बाथरूम हो गया, ठीक है। ये बाथरूम बन रहा उसका, कैनल बॉय का, मतलब जो भी बंदा यहाँ पर काम करेगा उसके लिए एक सुविधा रखी गई है कि वो अपने निश्चिंत होके काम कर सके। अब ये दोस्तों आपको कैसा ये सेटअप लग रहा है? अभी तो मुझे पता कि तैयार नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे मैं इसकी वीडियो डालता रहूँगा, और प्लीज़ थोड़ा प्यार देना इस वीडियो को। और ये मैं दिखाना नहीं चाहता था, ये कोई सेल पर्पज़ के लिए हमने नहीं खोला, प्रॉपर शो पर्पज़ के लिए हमने खोला हुआ है। और कोशिश करेंगे कि आपको सारा कुछ सिखाने की कि कैसे यहाँ पर डॉग तैयार हो रहे हैं, कैसे हम इसको ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे, कैसे इसका खाना पीना, वो सारा कुछ मैं दिखाता रहूँगा। हाँ, आपको थोड़ा सा बुरा भी लगेगा ये वीडियो, हो सकता है कि आप बोलो कि डॉग अच्छी तरह से नहीं रखे हुए, लेकिन प्रॉब्लम ये भी थी कि हमें छोटे बच्चे ही लेकर तैयार करने थे। बड़े डॉग हैं मेरे पास पालमपुर में, वो भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, उसकी मैंने ज़्यादातर बच्चे बुच्चे नहीं लिए हुए। और ये हमारा प्लानिंग के साथ काम हो रहा है, और इसमें किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन अपने साथ ही है और डॉग के साथ ही है। पैसा ज़रूर लग रहा है, लेकिन कुत्तों के रखने की जगह अच्छी तरह से बनाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर धड़ाधड़ डॉग लेकर आएंगे, 32 केज हैं तो 30 डॉग ही होंगे या 25 डॉग होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे यहाँ पर, लेकिन अच्छी ब्लड लाइन से होंगे और प्रॉपर शो के लिए हम रेडी करेंगे। ये हमारा एक सपना है जो हमने 4-5 साल पहले भी सोचा था। कैसा लगा ये वीडियो, थम्स अप शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बने रहना। इसका ज़्यादा वीडियो नहीं आएगा, जब तक ये रेडी नहीं हो जाएगा तब तक ज़्यादा वीडियो नहीं आएगा। ये नहीं है कि मेरे चैनल में डेली आएगा, ये मैं कुछ काम पर्सनली जो लिए हुए हैं वो हम पूरा कर रहे हैं, और बिनती है किसी और वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।